नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलो बच्चों, आज हम दोबारा से व्यंजनों की दोहराई करते हैं। बच्चों, इस चार्ट में देखो, पहले हमारे पास क्या लिखे हुए हैं? स्वर, अ से अहा तक, जिनकी मात्राएं भी होती हैं। मात्राएं हम आपको पता है कब यूज़ करते हैं? जब इस किसी भी स्वर की वहाँ पर आवाज़ आती है किसी व्यंजन के साथ। और क से ह तक, यह सभी क्या है? हमारे व्यंजन है। हिंदी भाषा में इन व्यंजनों के अलावा चार व्यंजन और होते हैं, तो चलो देखते हैं वे कौन से हैं। क्ष, त्र, श्र और ज्ञ। इन चारों व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जोड़। तो ये चारों व्यंजन दो व्यंजनों के जोड़ से, उनके योग से बनते हैं, राइट? तो आओ देखते हैं कि यह व्यंजन कैसे बनते हैं और इनके कुछ उदाहरण भी करते हैं। पहला व्यंजन कौन सा है हमारा? क्ष, जो क और क्ष से, श से बनता है। क इसमें आधा होता है, क की थोड़ी सी आवाज आती है। देखो, क के नीचे लाइन है ना, तो इसका मतलब वहां पर आधा क इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा, श षटकोण वाला। तो इन दोनों की के जोड़ से हमारे पास कौन सा व्यंजन बनता है? क्ष, श नहीं, कक्ष। क की थोड़ी सी आवाज आएगी, जैसे कक्षा, क्लासरूम, जहां बैठ के आप पढ़ते हैं। आप सभी मिस कर रहे होंगे ना अपनी क्लास को? पता नहीं आप लोग मिस कर रहे हो कि नहीं, बट मैं तो अपनी क्लास को बहुत मिस कर रही हूँ। सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी बच्चों को, उस क्लासरूम में आपके साथ बैठना, पढ़ाना आपको, और आपसे नई नई बातें भी सीखना। कक्षा, क्लास, अक्षर इज लेटर। अक्षर आप अल्फाबेट भी कह सकते हो, जैसे ए बी सी, वो सारे हमारे लेटर्स हैं हिंदी भाषा में। क ख ग, ये सारे हमारे अल्फाबेट, लेटर या अक्षर कह सकते हो इन्हें। क्षमा, क्षमा इज सॉरी। हमारा दूसरा व्यंजन है त्र। आधा त और पूरा र के जोड़ से हमारा क्या, कौन सा व्यंजन बनता है? त्र। त्र जैसे मित्र, फ्रेंड। नेत्र, आईज। शत्रु, शत्रु किसको बोलते हैं? एनिमी को, दुश्मन को, राइट? अगला व्यंजन है हमारा श्र। आधा श, देखो श के पैर में लाइन डाली हुई ना, स्लांटिंग लाइन है एक छोटी सी, प्लस र। तो जिस भी अक्षर के नीचे यह छोटी सी लाइन होगी, उसका मतलब वहां पर वह व्यंजन आधा इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा। तो आधा श, श की थोड़ी सी आवाज और र की पूरी आवाज से हमारे पास कौन सा व्यंजन बनता है? श्र। श्र जैसे श्रम, श्रम इज हार्ड वर्क। श्रमिक, लेबर, लेबरर को हम श्रमिक भी बोलते हैं। जो मेहनत करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? श्रमिक। ओके, अगला व्यंजन है हमारा ज्ञ। ज्ञ किसके जोड़ से बनता है? आधा ज और ञ के जोड़ से बनता है, राइट? अगेन, ज आधा ज और ञ के जोड़ से बनता है। कौन सा व्यंजन बनता है? ज्ञ। ज्ञ जैसे यज्ञ, घर में जो हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, उसको हम यज्ञ भी बोलते हैं। ज्ञान, ज्ञान इज नॉलेज। जब भी आप कुछ पढ़ते हो, किसी कहीं से कुछ देखते हो, उसमें से जो आपको नॉलेज, कुछ ज्ञान आप गेन करते हो, हासिल करते हो, राइट? विज्ञान, विज्ञान क्या है? जो हमारी नेचर का ज्ञान है, स्टडी ऑफ नेचर, उसको हम क्या बोलते हैं? विज्ञान। और उस सब्जेक्ट को हम साइंस भी बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में विज्ञान और इंग्लिश में साइंस, ऑलराइट? आओ अब आपकी बुक का पार्ट 10 पेज B17 पढ़ते हैं। पहले क्ष वाले शब्द, क्षत्रिय, कक्षा, त्रिशूल, नेत्र। ज्ञ से ज्ञानी, यज्ञ। ज्ञानी किसे बोलते हैं? जिसको बहुत ही नॉलेज होती है, जिसको ज्ञान होता है, राइट? श्र श्रमिक, आश्रम। टर्न टू पेज B18। क्ष क्षमा, कक्षा,
पक्षी शिक्षक परीक्षा त्र चित्र मीन्स पिक्चर मित्र चरित्र त्रिशूल त्रिशूल आपको पता है आपने शिवजी जी की अगर मूर्ति देखी है या पिक्चर देखी हो तो उसमें शिवजी जी ने त्रिशूल पकड़ा होता है पत्रिका पत्रिका मैगजीन को बोलते हैं ज्ञ से यज्ञ आज्ञा आज्ञा इज किसी का कहना कहना मानना इज आज्ञा ज्ञानी विज्ञान आज्ञाकारी आज्ञाकारी कौन होता है जो आज्ञा मानता है तो आपको पता है हम सभी बच्चे आप सभी बच्चों को आज्ञाकारी होना चाहिए अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए श्र आश्रम श्रीमान श्रवण परिश्रम श्रमिक चलो अब यह नीचे दिए गए वाक्य भी पढ़ते हैं प्रज्ञा पहली कक्षा की छात्रा है छात्रा इज स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट को हम छात्रा बोलते हैं और अगर बॉय स्टूडेंट है तो उसको हम छात्र बोलते हैं वह बहुत परिश्रमी है उसके पिताजी श्रमिक हैं वह सबकी आज्ञा मानती है क्षिति उसकी मित्र है वह विज्ञान पढ़ती है उसे चित्र बनाना पसंद है सभी शिक्षक उससे खुश रहते हैं राइट अब आपने क्या करना है इन दोनों पेजेस को दोबारा से पढ़ना है और इन व्यंजनों को डालने का अच्छे से लिखने का अभ्यास करना है थोड़ा टाइम लगेगा आपको इनको सीखने में राइट अगर अभ्यास करोगे तो अच्छे से सीख जाओगे ओके और मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी है उसमें से देख के इन सभी व्यंजनों के चार चार शब्द आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं अपनी कॉपी में लिखने हैं ओके तो अगली बार तक के लिए आप सभी को आरती मैम की प्यार भरी नमस्ते अपना ध्यान रखिए घर पर रहिए और अपने पाठ का अभ्यास करते रहिए धन्यवाद बाय बाय